कुछ कहा मैंने, लगता है तूने सुना नहीं। तू छीन सकती है बचपन मेरा, लेकिन छीन सकती है बचपना नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू tegniti.com और मैं हूं आपकी होस्ट दिव्या। ये लाइंस हम सभी ने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होंगी और हमारी इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जिससे आपको ये लाइंस सच होती दिखेंगी। और वो बात खास इसीलिए है क्योंकि आप उसे सुन रहे हैं एंड यू टुक द डिसीजन टू हियर दिस वीडियो। आपके अंदर गट्स हैं इसीलिए आप ये वीडियो सुन रहे हैं, क्योंकि वीडियो का टॉपिक ही है व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इज बेटर देन अ जॉब। देखिए, जॉब करना बहुत हिम्मत का काम है। आई सल्यूट टू एवरीवन हु इज डूइंग अ जॉब, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट काम है, लेकिन उससे ज्यादा डिफिकल्ट काम है खुद का नेटवर्क बिल्ड करना। एंड यू टुक दैट डिसीजन, आप सही ट्रैक पे हैं फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड फॉर योर फैमिली। आपने ये डिसीजन लिया है कि आपको करना है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपकी जॉब से ज्यादा अच्छा। एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर यू बिकॉज यू टुक द राइट डिसीजन फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, क्योंकि आप एक एम्बिशियस इंसान है और आपके अंदर है बहुत सारे गट्स कि आपने स्टैंड लिया है अपने लिए। चलिए इस चीज को एक छोटी सी कहानी से या फिर कह सकते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया में हम बहुत सारी चीजें यूं ही मान लेते हैं। यूं ही का मतलब ये है कि मैं हर बार अपनी वीडियो में आपसे कहती हूं हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी, मेरा नाम है दिव्या और मैं हूं आपकी होस्ट। तो क्या आप मुझसे मेरा आधार कार्ड मांगते हैं कि मैंने अपना नाम दिव्या क्यों बताया है? क्योंकि मैंने बोला और आपने मान लिया। सिंपल सी बात है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में कि हम उन चीजों पर बिलीव करते हैं। जैसे रेलवे ने एक गाड़ी का नाम निकाल दिया राजधानी, क्या आपने रेलवे बोर्ड से जाके उसके बारे में इंक्वायरी की या रेलवे बोर्ड से कोई सवाल किया? ऐसे ही किसी और गाड़ी का नाम उन्होंने निकाल दिया दुरंतो, लेकिन क्या आपने उसके बारे में पूछा? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम चीजों को मान लेते हैं। दुनिया विश्वास पर टिकी है और अब हम इस वीडियो में जो भी बातें करने वाले हैं शायद आप उन पर भी बिलीव करेंगे, क्योंकि कुछ फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर हम बात करेंगे। अगर आप चाहें तो उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, क्योंकि बिलीव तो आपको करना है, या तो किसी और पर कीजिए या फिर खुद पर कीजिए। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो का आज का टॉपिक। नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोगों से जुड़ते हैं, मतलब आपके किसी रिलेटिव या फिर आपके किसी फ्रेंड ने आपको अपने किसी बिजनेस प्लान के बारे में बताया होगा तो उसने दो तीन बातें जरूर ध्यान में रखी होगी। पहली चीज ये कि आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस हैं, आपके बहुत अच्छे अच्छे गोल्स और ड्रीम्स हैं, आप सेंसिबल हैं, आप एक पॉजिटिव इंसान हैं और जो भी बातें आपको समझाई जाएंगी आप वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि आप एक समझदार इंसान हैं और आप उस इंसान के लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं तभी शायद कोई इंसान आपको प्रोस्पेक्ट करता है। अगर आप इंपॉर्टेंट नहीं होते तो इंसान आपके पास नहीं आता अपना कोई बिजनेस प्लान लेकर। तो जब आप किसी के लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो जब कोई इंसान आपके बारे में इतना पॉजिटिव हो सकता है, आपको इतनी इंपॉर्टेंस दे सकता है, तो आप अपने बारे में इतना पॉजिटिव क्यों नहीं सोच सकते? और पता है आपको, कमाल की बात यह है कि जब भी लोग ये टर्म सुनते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, तो उनके दिमाग में सीधी एक चीज स्ट्राइक होती है कि ये बंदे बनाने का सिस्टम है, ये चेन सिस्टम है, यहाँ पे बंदों को जोड़ना है और होना यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जबकि फैक्ट ये है, जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो आपने किसी का नेटवर्क ज्वाइन किया होता है एज एन एम्प्लॉई और आप एम्प्लॉयर को अमीर बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे होते हैं। वहीं अगर आप अपने लिए काम करेंगे, खुद का नेटवर्क बिल्ड करेंगे, तो वहां आप एम्प्लॉयर को अमीर बनाने के बजाय आप खुद अमीर होंगे। मानती हूं मैं और ये एडमिट करती हूं कि हो सकता है मेरी नॉलेज आप लोगों से बहुत कम हो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, रादर आई नो लेसर, लेकिन मैं अपनी लाइफ में कम जानकर ज्यादा खुश होना पसंद करूंगी, लेकिन ज्यादा जानकर टेंशन भरना अपनी लाइफ में बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगी। हमारी लाइफ डिपेंड करती है हमारे बिलीफ सिस्टम पर। हमारा बिलीफ हमारे पास कैसे आता है? या तो हम किसी चीज को एक्सपीरियंस करें कि हमें बहुत कुछ एक्सपीरियंस हो गया है और हमें उस चीज पर बिलीफ है, हमारा लाइफ जो है हम उससे खुश हैं। दूसरी चीज हमारा बिलीफ सिस्टम जिससे बनता है वो है लोगों की बातें सुनकर। पड़ोसी ने कुछ कह दिया, हमने उस चीजों को मान लिया और उस चीज पर हम बिलीव करना शुरू कर दिया। एम आई राइट? और सर, ये जो दो थ्योरीज मिलकर बनती हैं उसे कहते हैं पर्सनल डॉग्मा। पर्सनल डॉग्मा इज, अगर आप किसी कबीले इलाके में चले जाएं तो आप देखेंगे वहां के लोगों का जो रहन सहन है आप उसे अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। वो लोग अपने आप में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और हो सकता है कि आप उनकी बातों से कहीं ना कहीं एग्री नहीं करेंगे। अब
अगर आप सोचें कि आप उनसे डिबेट करें तो वो भी पॉसिबल नहीं है। और अगर आपने अगर उनको बहस करने की कोशिश की और उनको कुछ समझाने की कोशिश की तो ऐसी बहसबाजी में हो सकता है कि वो आपको सूली पर चढ़ा दे। दैट इज देयर पर्सनल डॉगमा, हम इसके लिए कुछ नहीं कहते। तो ये तो हुआ उनके डॉगमा की बात। सेकेंड थिंग इज, अमेरिका के अंदर राइट हैंड साइड ड्राइविंग सीट होती है लेकिन इंडिया में तो लेफ्ट हैंड साइड है, तो क्या इस पर बहस करेंगे? नहीं, ये तो डॉगमा की बात है कि आपका बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, जो चीज चल रही है वो वैसी ही है, इसमें बहस नहीं की जा सकती। ये सारी चीजें हमारे अनुभवों पर ही आधारित होती हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि हमारे डॉगमा की सबसे बड़ी ताकत यही है कि हम अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चीज को सही मानते हैं और किस चीज को गलत। और हमारी वीडियो, इस वीडियो का पर्पस यही है कि क्या आप सच को अपनाने को तैयार हैं और क्या आप सच में अपने आप को बदलना चाहते हैं। अगर आपका जवाब है हाँ और अभी तक की हमारी कही हुई सारी बातों से आप एग्री करते हैं तो ही आप इस वीडियो को आगे देखिएगा, अदरवाइज आप इसे यहीं पे बंद करके रिलैक्स मोड पे जा सकते हैं। माफ कीजिएगा अगर आपको मेरी बात बुरी लग रही हो तो, हमारा कोई पर्पस नहीं है आपको हर्ट करने का। लेकिन अगर आप सच में खुद को बदलने को तैयार हैं तो चलिए देखते हैं आगे। और सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है हंसना। जी हाँ, हंसना बहुत जरूरी है जिंदगी में। कैसी भी सिचुएशन हो लाइफ में, कैसी भी कॉम्प्लिकेशंस चल रही हो, लेकिन आपको हमेशा एक बहुत अच्छी, बहुत बड़ी सी स्माइल अपने फेस पे हमेशा कैरी करनी चाहिए, क्योंकि हमारी हंसी से हमारे दुश्मनों को जलन होती है। और हमें कभी नहीं दिखाना चाहिए कि हम कितनी टेंशन में हैं। देखिए, टेंशन में रह के, परेशान रह के लाइफ सिर्फ काटी जा सकती है, लाइफ को जिया नहीं जा सकता। आई होप आप इस बात से अग्री करते होंगे। वो कहते हैं ना, धरती बनना बहुत कठिन है, मतलब कठोर होना तो बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन मुश्किल है तो बादल हो जाना। हल्का होना, हमेशा खुश रहना थोड़ा मुश्किल होता है। संजीदा तो सब बैठे हैं, सबके फेसेस पर आपको टेंशन जरूर दिख जाएगी, लेकिन सबसे मुश्किल होता है पागल हो जाना। पागल होना मतलब हमेशा खुश रहना, हमेशा खुश बहुत मुश्किल से रहा जाता है। हमेशा आप स्माइल नहीं कर सकते, लेकिन ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको हमेशा स्माइल करनी है। हम सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो शायद पागल हो सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी लाइफ हमारे टर्म्स कंडीशंस पर जीनी है, ना कि अपने बॉसेस के टर्म्स कंडीशंस पर। वी ऑल वांटेड टू बी आवर ओन बॉसेस। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जॉब को हिंदी में क्या कहते हैं? नौकरी, नौकरगिरी। अब नौकरगिरी करके कौन खुश रह सकता है आज के टाइम पे? मैं तो बिल्कुल भी नहीं, शायद आप भी नहीं। क्या आपको अपनी रियल वैल्यू पता है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। ये मेरे हाथ में है 100 का नोट। अब ये 100 का नोट है, हम सभी को दिख रहा है। अगर मैं इसे क्रश कर दूं और या फिर मैं इसे फेंक दूं या फिर अगर मैं इसे पानी में डाल दूं तो क्या इसकी वैल्यू कम होगी? माफ कीजिएगा, लक्ष्मी माता को डिसरेस्पेक्ट करने का मेरा बिल्कुल मतलब नहीं है, लेकिन मैं ये एग्जाम्पल सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूं कि अगर जिंदगी में आपका कोई ऐसा हाल कर दे तो आप अपनी वैल्यू को बिल्कुल मत भूलेगा। आप हमसे बेहतर जानते हैं कि आपकी वैल्यू क्या है। आपके कहीं बैठने से या उठने से, कहीं आने से, कहीं जाने से, आपके बिजनेसमैन होने या फिर ना होने से, आपकी इंग्लिश बोलने या फिर इंग्लिश ना बोलने से आपकी वैल्यू कम बिल्कुल नहीं होने वाली है। आपकी जो आज वैल्यू है वही वैल्यू आपकी बाद में भी रहेगी। अगर आपके अंदर इच्छा है किसी काम को करने की तो कोई कितनी भी कोशिश कर ले आपको रोकने की, आप वो काम कर ही लेंगे, क्योंकि इस पूरी कायनात की साजिश में सबसे अहम भूमिका होती है आपकी खुद की। और जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी विलिंगनेस के लिए वो है आपके थॉट्स। अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव नहीं होते तो शायद आप ये वीडियो अभी नहीं देख रहे होते। तो चलिए शुरू करते हैं कि आप क्यों करेंगे एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन। ये मैं इसलिए कहती हूं क्योंकि जब मैंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा था तो बहुत ही ओपन माइंडेड होके देखा था और इसमें मुझे मेरा ब्राइट फ्यूचर दिखा था। एंड आई फाउंड दिस अपॉर्चुनिटी एज द बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम। आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबसे एक सवाल, कुछ सवाल, और आप उन सवालों के जवाब अपने दिल पर हाथ रख के दीजिएगा। सबसे पहला सवाल, आप में से कितने लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं? शायद कुछ लोग। आप में से कितने लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं? शायद कुछ लोग। और आप में से कितने लोग हैं जो अमीर हैं?
शायद कुछ ही लोगों ने एडमिट किया होगा इस बात को। तो अभी जो मैंने बात की जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, अपने दिल पर हाथ रखे रखिएगा और जवाब आपको अब देना है, ये क्या है? आपके डेस्टिनेशन है या फिर आपके व्हीकल्स हैं? ऑब्वियसली व्हीकल्स हैं, क्योंकि डेस्टिनेशन तो आपका कुछ और है। और डेस्टिनेशन है क्या? Obviously, we all wanted to become rich. That's why we are doing jobs. अगर आज मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूं दिल्ली से, तो मुझे लेना होगा एक व्हीकल अपनी जर्नी के लिए। और वो जर्नी मेरी अगर वो व्हीकल दिल्ली में ही एंड करे, तो ऐसे व्हीकल लेने का क्या फायदा? हम सभी लोगों की जिंदगी में तीन क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, पुअर, मिडिल और रिच क्लास। अभी हम में से कितने लोग मानते हैं कि हम मिडिल क्लास में रहते हैं? ऑलमोस्ट 95% लोग ये बिलीव करते हैं कि वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। तो अभी अगर मैं मिडिल क्लास में हूं, मैंने एक व्हीकल पकड़ा, अ जॉब, तो मेरी जर्नी एंड कहां होगी? मेरा डेस्टिनेशन क्या है? मेरा डेस्टिनेशन था टू बिकम रिच, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है? आप यहां से यहां पे जाते हैं। तो ऐसे व्हीकल पर 50 साल सवार होने की जरूरत क्या है बताइए? रोजी रोटी की फाइट तो इंसान अपने गांव में बैठकर भी लड़ सकता है, लेकिन व्हाट वाज द पर्पस? हम पर्पस की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने हमेशा से अपनी फैमिली में अपने बड़ों को ऐसी ही सिचुएशन में देखा है कि वो अपना पर्पस भूलकर सिर्फ एक ही चीज के लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम कभी उनसे क्वेश्चन नहीं करते कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपका पर्पस क्या है। आवर पर्पस इज नॉट जस्ट टू मूव अहेड, आवर पर्पस इज टू रीच आवर डेस्टिनेशन। वो डेस्टिनेशन क्या है वो हमें डिसाइड करना है और उसके लिए हमें काम करना होगा। हमारा पर्पस सिर्फ आगे बढ़ना नहीं होना चाहिए, हमारा पर्पस होना चाहिए कि हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, और वो कैसे पहुंचना है ये आपको देखना होगा। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप जॉब करते हैं वहां पे, और आपकी कंपनी ने डिसाइड किया है कि नेक्स्ट ईयर के एंड तक आपकी कंपनी का टर्नओवर डबल होना चाहिए। अब ये डिसाइड किसने किया, आपने या फिर आपकी कंपनी ने? ये डिसाइड आपकी कंपनी ने किया, और इसके लिए आपकी कंपनी को आपसे जितना काम करवाना होगा वो करवा ही लेगी, वो भी कैसी भी सिचुएशन में। तो अब आप बताइए मुझे, आप यहां से यहां जाना चाहेंगे, यहां से यहां जाना चाहेंगे, या फिर यहां से यहां जाना चाहेंगे? ये डिसीजन आपको लेना है, ये डिसीजन आपके लिए कोई और ले ही नहीं सकता। सो हियर यू आर द राइटर ऑफ योर ओन स्टोरी, सो बी अ हीरो एंड बी अ फाइटर। इफ यू वांटेड टू प्रमोट योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन आवर वीडियो, देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस एट आवर व्हाट्सएप नंबर, और यू कैन ड्रॉप अ मेल टू अस एट दिस मेल एड्रेस। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में होंगे, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे नेटवर्क के लिए वेट कर रहे हैं जो अमेजिंग हो और साथ ही साथ आपके सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर सके, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, या फिर आप हमें ड्रॉप कर सकते हैं एक मेल भी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस आपका इंतजार कर रही हैं। हमारी इस वीडियो में हमारी सभी बातों से आप सहमत हो ये जरूरी नहीं है। अगर आपके कुछ सजेशंस या क्वेरीज हो तो वो आप हमें ड्रॉप कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, या फिर आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पर। अगर आपको लगता है कि हमारी इस वीडियो में कही हुई बातें आपकी टीम की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और जाने से पहले आपके लिए एक ब्यूटीफुल थॉट, वो है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज कंसील्ड इन लव विद योर वर्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।